हेलो एवरीवन, भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है हमारी मटर मशरूम। इस तरीके से अगर आप मशरूम बनाएंगे तो अगर आपको मशरूम जैसे स्मेल लगती है उसकी वजह से नहीं खाना पसंद है तो आप खाने लगेंगे क्योंकि बिल्कुल स्मेल नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैकेट मशरूम लिया है। इसे मैंने इस तरीके से चाकू से इसके ऊपर का जो पार्ट होता है इसे निकाल लिया है क्योंकि आज तो मशरूम फ्रेश है। कभी कभी क्या होता है, मशरूम हल्का सा ऊपर से ब्लैक ब्लैक होता है तो इस तरीके से ऊपर से निकाल दो तो उसकी जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो मैं जब भी मशरूम बनाती हूँ तो उसे इस तरीके से ज़रूर छील लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे मशरूम को ऊपर से साफ़ कर लिया है। इन सभी को साफ़ करने के बाद अब मैं इसे फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। आपको जिस तरीके से काटना पसंद है आप काट लीजिए। मैं डायरेक्ट ऐसे ही कट कर लेती हूँ। कुछ लोग हैं ऊपर का पार्ट अलग कर देते हैं उसके बाद इसे कट करते हैं। मैंने इसे ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। और अब हमने एक भगोने में पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो ये जितने भी मशरूम हैं मैं उसमें डाल के अच्छे से बॉयल कर लूँगी, इसलिए कि बॉयल करने से जो अंदर तक की गंदगी होती है वो निकल के पानी में आ जाती है। तो करीब मैंने 5 मिनट इसे बॉयल कर लिया अच्छे से। अब पानी में उबाल आ गया है तो इस तरीके पानी में उबाल आने के बाद भी 2 मिनट तक हमें इसे बॉयल करते रहना है और उसके बाद इसे छान लेना है। छान के भी हमें इसे ठंडे पानी से भी अच्छे से वॉश कर लेना है। अब मैंने एक पैकेट मशरूम के लिए 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के और 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लिए हैं। इन्हें हम चॉप कर लेंगे। इन सभी को मैंने रफली कट कर लिया है इस तरीके से। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट किसी भी सब्ज़ी में बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, फिर ये जो लहसुन है ये डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, इसे हल्का सा हम ब्राउन होने देंगे। इसके बाद जो हमने प्याज कट की थी उसे भी हम डाल देंगे। उसका भी जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा, फिर कलर चेंज होते ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमें इन सब चीज़ों को बहुत नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का हल्का सा ही फ्राई करना है। इससे क्या होगा, इसकी जो कच्चेपन वाली स्मेल होती है ना वो निकल जाती है बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनती है। फिर टमाटर में मैंने हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दिया है जिससे क्या होगा टमाटर जल्दी गल जाएंगे। ऐसे हल्का सा हमें फ्राई करके बस जैसे इनका कलर चेंज होगा इन्हें निकाल लेना है, निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है क्योंकि गर्म गर्म हमें मिक्सी जार में इसे बिल्कुल नहीं पीसना है। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे पीस लेना है। तो इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हम कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और जो मशरूम हमने धुल के रखे हैं इन्हें हम इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इसकी जो स्मेल होती है वो पूरी तरीके से बिल्कुल आउट हो जाएगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अब जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हमें इसे निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और फ्राई कर सकते हैं। और अब ये जो मसाला हमारा है ये भी ठंडा हो गया है तो इसे भी हम मिक्सी जार में लेके पीस लेंगे। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और जो इसमें आसपास पेस्ट लगा रह जाता है अक्सर मिक्सी में तो उसको वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा पानी डाल के उसे हमें अच्छे से इस तरीके से हिला के इसे भी हमें इसी मसाले में डाल के मिक्स कर लेना है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे। जैसा आपको स्पाइसी पसंद हो, हम लोग कम तेल की सब्ज़ी खाते हैं तो मैंने ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं ऑयल को। ये मसाले हमें इसी में डाल देने हैं। तेज़पत्ता डालना है पहले, फिर मसाले डाल देने हैं। इन सभी को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। 2 मैंने इसमें साबुत लहसुन डाले हैं। हमारे यहाँ सबको सब्जी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में जो भी हम स्पाइसी सब्ज़ी बनाते हैं इसमें सबको लहसुन बहुत पसंद होता है। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, अगर आपको लहसुन पसंद है तो इसे मसाले में भूनते समय ही डाल देना है, नहीं तो ये बाद में नहीं पकेंगे। अब इसके ऊपर से हमें इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, नमक सब कुछ डाल देना है। और इसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी मटर डाल दी है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मशरूम हमने फ्राई करके रखे थे उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसमें करीब 2 कटोरी पानी डाल दिया। आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से ग्रेवी को अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी थिक ग्रेवी पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा देर तक पका लीजिए, वरना थोड़ी देर तक पका के फिर आप गैस को बंद कर दीजिए। मैंने देखिए थोड़ा सा इस टाइप से रखी है सब्जी की ग्रेवी को। आपको जिस हिसाब से पसंद हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम इसे
किसी बर्तन में पलट लेंगे और इसको गार्निश करेंगे हरी धनिया से। हरी धनिया से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ये हमारी मशरूम की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर पसंद आई हो रेसिपी आप सभी को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको रेसिपी ये पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।